चंदा कैसेट्स। मत रोना प्यारी बहना, मैं जल्दी आऊंगा। रोटी पड़ी है सामने, वो जाके खा ले, समझी? मेरे पास पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो राखी वापस ला। फरी में भाई का प्यार तो मिल सकता है, राखी नहीं। मामी, मैं गुरु गोरखनाथ जी को राखी बांध कर आई हूँ। अरे हरामखोर, घर का सारा काम छोड़कर उस बेजान मूर्ति को राखी बांधने गई थी। अगर उस पत्थर की मूर्ति में इतनी शक्ति होती तो तेरे भाई को कब का यहाँ ले आया होता। बचाओ वीरा, बचाओ। अगर तुम नहीं आए तो इस संसार में लोगों का बहन भाई के प्यार से विश्वास उठ जाएगा। रामू, अगर बाबा गोरखनाथ के दर्शन करवा दो तो मैं समझूंगी कि सारे तीर्थों का फल मुझे मिल गया। मगर माँ, आपकी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, आप कैसे पैदल चल पाओगी? बेटा, बाबा के दर्शन करते ही तबीयत भी ठीक हो जाएगी और पैदल चलने की शक्ति भी गुरु गोरखनाथ जी आप ही देंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी है कि आज मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। नहीं माँ, तुम ही तो हमारा सहारा हो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे सिवा कौन है हमारा माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, माँ का ध्यान रखना, मैं भी दवाई लेके आया। ठीक है भैया, जल्दी आना। रामू बेटा रुक जा। माँ, आज श्वास निकलने से पहले मैं रामू को जी भर के देख लेना चाहती थी, पर वो दवाई लेने चला गया। मीरा, मीरा मेरी बेटी, मेरा मेरी बेटी छोड़ चले। माँ, माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, कुछ तो बोलो। माँ, कुछ तो बोलो। मेरा, माँ को क्या हुआ? वीरा, आज हम अनाथ हो गए। माँ हमें छोड़कर चली गई। वीरा। नहीं बहना, अब मैं अनाथ माँ हूँ। जब तक ये तेरा भाई जिंदा है, तब तक मैं तुम्हें माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। छोड़ चले। Thank you.
आओ बेटा रामू, आओ बेटा मीरा, कैसे हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? मामू, माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई। क्या कह रहे हैं वो बेटा? माँ का तो एक सहारा था, भगवान ने वो भी हमसे छीन लिया। मत रहो मेरे बच्चों, मत रहो मेरे बच्चों, मत रहो मेरे बच्चों, मत रहो मेरे बच्चों, मत रहो मेरे बच्चों। आज मंगलवार के दिन आंसू बहाकर मेरे घर को अमंगल क्यों कर रहे हो? मरने वाली तो मर गई। भगवान, भगवान ना करे छोटी उम्र में किसी के माँ बाप मर जाएं। देख इन छोटे बच्चों की हालत, इन पर क्या विपता पड़ी है। तो मैं क्या करूं? इनकी मुसीबत को लेके छाती पीट पीट कर माता मनाऊं? कर्म जले, माँ बाप को तो खा गए, अब मामा मामी को खाने आए हो। मुन्नी की माँ, बिना माँ बाप के बच्चों के आंसू पोछेंगे तुझे पुण्य मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुण्य वुण्य। माफ करना मामी, हमारे आने से अगर आपको दुख होता है तो हम अभी चले जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में मैं मेरी बहन का रहने का इंतजाम कर लूंगा। नहीं मेरे बच्चों नहीं, जब तक आपका मामू जिंदा बैठा है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटे। मेरी इच्छा के बिना ये छोरा छोरी मेरी छाती पर कब तक मूंग डालेंगे? दो दिन में भाग जाएंगे। हाँ ना मेरे बच्चों, मत रो मेरे पास आओ, ना मेरे बच्चों मत रो, ना बच्चों मत रो, मेरे बच्चों मत रो। हे भगवान, इन मासूम बच्चों को किस बात की सजा दे रहा है? मामी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मामी, इसने रात से भी कुछ नहीं खाया। तब मैं क्या करूं? आज घर में खाना नहीं बनेगा, तेरी माँ का श्राद्ध है श्राद्ध। आज तेरे मामा ने भी कुछ नहीं खाया, वो भी भूखे हैं सुबह के। मामी, बहुत जोर से भूख लगी है, एक सेब ही दे दो। देखो माँ का श्राद्ध है, सेब मांग रही है जीप चटोरी कहीं की। वो देख, कुत्ते के लिए रोटी पड़ी है सामने, वो जाके खा ले, समझी? एक दिन गली का कुत्ता भूखा रह जाएगा तो पाप नहीं लगेगा। औलाद,
अन्न का अपमान कर रहे हो? जो मिला है खा लो, नहीं तो खाल खींच दूंगी। हाँ नहीं वीरा, तुम्हारे हाथ का पानी पीते ही मेरी सारी भूख मिट गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी से बर्तन साफ कर, अभी और भी काम पड़े हैं। रो मत मेरी बहना, रो मत। गोरख तेरा सहारा करता है पार उतारा, मेरा मन बरोज गाए तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा। गोरख तेरा सहारा करता है पार उतारा, मेरा मन बरोज गाए तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा। गोरख तेरा सहारा। ये देख श्री गुरु गोरखनाथ जी की सत्संग हो रही है, चलो हम वहाँ पे चलते हैं। ठीक है भैया चलो। जब गोपी चंद की माँ ने तेरा सच्चा नाम ध्याया, जब गोपी चंद की माँ ने तेरा सच्चा नाम ध्याया, जब गोपी चंद की माँ ने उसे शिष्य बना के कश्ती को दिया किनारा, मेरा मन बरोज गाए तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा, तेरा सच्चा नाम प्यारा। गोरख तेरा सहारा हो। क्यों रे हराम खोरो, घर का सारा काम छोड़कर कहाँ गए थे घूमने? मंदिर गए थे मम्मी। क्या करने गए थे मंदिर? पूजा करने मामी। पूजा करने के लिए मंदिर, खाने के लिए घर? तेरी माँ क्या स्वर्ग से अनाज की बोरी भेजती है? मम्मी मेरी माँ को कुछ मत कहना। हरामी मेरी रोटी खाकर मुझे आग दिखाता है, हरामी कहीं का। अरे भगवान, इन बच्चों को सारा दिन क्यों मारती है? मिलना तो चाहिए इन्हें प्यार, और मिल रही है इन्हें मार। बेटा जाओ अंदर जाओ, जाओ बेटा। हे भगवान, कौन सी स्याही से इन बच्चों का भाग्य लिखा है? क्या भाग्य लिखते हुए तुम्हें थोड़ी सी दया भी नहीं आई? ये कम दया है क्या जो घर पड़ों को खाना मिल रहा है? हे भगवान, कौन किसी का खाता है? सब अपना अपना नसीब लेके इस धरती पे आते हैं। नसीब लेकर आए तो इस घर में क्यों पड़े हैं? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
मेरे जीते जी ये बच्चे इस घर से नहीं जाएंगे। ले रामू चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी। पी ले ना रामू, जिद नहीं करते। कहा ना नहीं पीनी। नाश हो जाए, नसीब तो मेरे फोड़ दिए मेरे। मत मारो मामी, छोड़ दो हमें, मत मारो। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? इन बच्चों को मार डालेगी क्या? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? एक माटी के कप के लिए क्या इन बच्चों की जान ले लेगी? क्या बोला? दफा हो जा तू यहां से, चल। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ बच्चों, मत रो मेरे बच्चों, मत रो। हमें और कितने दिन मार खानी पड़ेगी? थोड़े दिन की बात है बहना, मैं परदेश जा रहा हूँ। परदेश? हाँ बहना, अब तुम्हारा दुख नहीं देखा जा सकता। मैं परदेश जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वीरा, मैं अकेले यहाँ किसके सहारे रहूंगी? मत रो मेरी पगली, मैं परदेश जाऊंगा और तुम्हारे लिए चुनरी, पायल और बहुत कुछ लाऊंगा और मैं मेरी बहन की धूमधाम से शादी करूंगा। नहीं वीरा, माँ बाप भी हमें छोड़कर चले गए। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी ये बहना जीते जी मर जाएगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वीरा। रो मत मेरी बहना, अगर तू नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। चल अब हंस के दिखा, चल चल हंस हंस हंस। प्यारी बहना मैं जल्दी आऊंगा, करूं धूम धाम से शादी, धन इतना लाऊंगा। मत रोना प्यारी बहना मैं जल्दी आऊंगा। तुझे सोती छोड़ गया था, ये मेरी थी मजबूरी। तेरा प्यार था मेरे दिल में, बेशक आपस में दूर। तुझे सोती छोड़ गया था, ये मेरी थी मजबूरी। तेरा प्यार था मेरे दिल
बेशक आपस में दूरी, तेरा प्यार था मेरे दिल में, बेशक आपस में दूरी। मत रोना प्यारी बहनों, मैं जल्दी आऊंगा, कर धूम धाम से शादी, धन इतना लाऊंगा। जुल्म सहे मामी के कहीं ठोर ठिकाना नाई, हम भूखे पेट ही सोते, कोई करता गौर नाही। यहाँ जुल्म सहे मामी के कहीं ठोर ठिकाना नाई, हम भूखे पेट ही सोते, कोई करता गौर नाही। हम भूखे पेट ही सोते, कोई करता गौर नहीं। मत रोना प्यारी बहनों, मैं जल्दी आऊंगा, कर धूम धाम से शादी, धन इतना लाऊंगा। सदा समय एक ना रहता, कभी धूप कभी छाया है, कभी निर्धनता कंगाली, कभी हाथ में माया है। सदा समय एक ना रहता, कभी धूप कभी छाया है, कभी निर्धनता कंगाली, कभी हाथ में माया है। कभी निर्धनता कंगाली, कभी हाथ में माया है। मत रोना प्यारी बहना, मैं जल्दी आऊंगा, मत रोना प्यारी बहना, मैं जल्दी आऊंगा, कर धूम धाम से शादी, धन इतना लाऊंगा। कहाँ गई थी महारानी? शाम होने को आई है और कहाँ गया वो रावण का बच्चा? परदेश। परदेश? चल मेरे साथ। अजी सुनते हो क्या? तेरा लाडला परदेश गया है। परदेश खिलाया पिलाया हमने और चला गया वो परदेश। घर का काम कौन करेगा? ये तू करेगी और कौन करेगा? तेरी कला सुनकर तो घर के बिल्ली चूहे भाग जाते हैं। रामू बिचारे की क्या औकात है? क्यों री, तू क्यों नहीं गई साथ में? यही हाल रहा तो ये तो क्या, मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मारती रहना दीवारों पर टक्कर। भैया काम मिलेगा? चल भाग यहाँ से, आ जाते हैं घर से भाग कर। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ? बाबा मैं गांव से शहर में पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मुझे कोई बच्चा समझकर काम ही नहीं देता। रो मत बेटे, आजा तू मेरे साथ मेरे घर चल। मेरी एक छोटी बहन है, मैं पैसे कमाकर उसे दुखी देखना चाहता हूँ। क्यों बेटा, बहन से बहुत प्यार करता है? हाँ बाबा, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। तू चिंता मत कर बेटा, तू मेरे साथ यहीं रहना, जैसी रुखी सुखी मिलेगी हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे।
भैया एक राखी देना। अरे पैसे तो दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो राखी वापस ला। फरी में भाई का प्यार तो मिल सकता है, राखी नहीं। और इससे बुरा वक्त क्या आएगा वीरा, आज तुम्हारी बहन के पास राखी के भी पैसे नहीं है। ले भाई ये कंठी ले ले और ये राखी मुझे दे दे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो ये मैं वापस ले जाऊंगी। क्यों बेटा, शहर में तू पैसे कमाने आया था ना? हाँ बाबा, लेकिन कल रक्षाबंधन है। मैंने मेरी बहन से वचन किया था कि मैं रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। बेटा बहन के लिए कुछ लेकर जा रहा है या यूं ही खाली जा रहा है? देखो बाबा, ये देखो चुन्नड़ी, ये देखो बिंदी, ये कुंडल और ये चूड़ियां, ये पाजेब, ये ले जा रहा हूँ। जब इन्हें मेरी बहन देखेगी तो बहुत खुश होगी। फिर तो वो बेटा जरूर खुश होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है बाबा, अब मैं जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊंगा। दुनिया में भाई बहन से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता।
तेरी याद में तेरी बहना रोती है, माँ जाए तेरी याद में तेरी बहना रोती है, तेरी बहना रोती है, तेरी बहना रोती है, तेरी बहना रोती है, तेरी बहना रोती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा भाई परदेश गया है, राखी पे आने का वचन दिया था मुझे पर वो नहीं आया। मेरे भाई के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज राखी है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटी, बाबा गोरखनाथ को भाई समझकर उसकी कलाई पर राखी बांध दे, तेरी राखी तेरे भाई तक जरूर पहुंच जाएगी। मत रो मेरी बेटी, मत रो, जाओ
और बाबा गोरखनाथ की कलाई पर अपनी राखी बांध दो। जाओ बेटा जाओ। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू और हाथ में ये राखी, क्या बात है गुरुदेव बताओ ना। बेटा मोनीनाथ, मेरी भक्त मीरा जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, आज रक्षाबंधन का दिन है, उसका भाई घर नहीं आया। क्यों गुरुदेव? बेटा मोनीनाथ, ये सब विधि का विधान है। वो बेचारा तो खुशी खुशी अपनी बहन के पास आ रहा था, पर उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई गुरुदेव, मुझे बताइए। तो सुनो बेटा मोनीनाथ, वो बेचारा तो खुशी खुशी अपनी बहन के पास आ रहा था, आते हुए उसका पत्थर से पैर फिसल गया और वो बहुत गहरी खाई में जा गिरा, और खाई में गिरने के कारण वो मूर्छित अवस्था में चला गया। अब ना जाने उसे कब होश आएगा। बेटा मोनीनाथ, मेरी भक्त मीरा ने अपने भाई का बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आया। उसने रोते रोते अपना भाई समझकर मेरी मूरत को राखी बांध दी। बेटा मोनीनाथ, उस बच्ची का अपने भाई के प्रति इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मुझको हर मोड़ पर मेरी भक्त मीरा की रक्षा करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आप उसके भाई को मूर्छित अवस्था से जगा क्यों नहीं देते? ये असंभव है मोनीनाथ। जन्म के साथ ही बेमाता जो लेख लिख देती है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। भाग्य और भाग्य के चक्कर को कोई नहीं बदल सकता मोनीनाथ, कोई नहीं बदल सकता। थे मारे जन्म भाई तो नहीं, पर राखी भाई तो हो। मैं रोज तुम्हारा दर्शन करूँ, हर साल तुम्हें राखी बांधती हूँ। ना ही तुम हमारे सर पर हाथ रखते हो, ना ही हमारा दर्द पूछते हो। रामू तो मुझे भूल ही गया है और तुम मुझसे रूठ गए हो। बहन तो पराई होता है, पर भाई बहन का रिश्ता तो पराया नहीं होता। आज राखी का दिन है, इस बहन की राखी स्वीकार करो वीरा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। Thank you.
गई थी तू? मामी मैं क्या बोलती क्यों नहीं? मामी मैं गुरु गोरखनाथ जी को राखी बांध कर आई हूँ। अरे हरामखोर, घर का सारा काम छोड़कर उस बेजान मूर्ति को राखी बांधने गई थी। अगर उस पत्थर की मूर्ति में इतनी शक्ति होती तो तेरे भाई को कब का यहाँ ले आया होता। चल अब मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहा, ये कपड़े पड़े हैं नदी पर जाकर धोकर ले आ। वीरा बचाओ, बचाओ वीरा बचाओ। बचाओ वीरा, बचाओ वीरा, बचाओ। आज तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें उस राखी की कसम जो मैंने तुम्हें बांधी थी, तुम्हें आना होगा। तुम्हें बचाने उरे कोई नहीं आएगा। बचाओ वीरा, बचाओ, बचाओ वीरा, बचाओ, बचाओ वीरा, बचाओ। अगर तुम नहीं आए तो इस संसार में लोगों का बहन भाई के प्यार से विश्वास उठ जाएगा। तुझे आना होगा वीरा, तुझे आना होगा। एक बहन को बचाने के लिए तो उसका भाई आ गया, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीरा, अगर तुम आज ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे लगता है गुरु गोरखनाथ जी ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बावरी, एहसान कैसा? मुसीबत के समय एक बहन अपने भाई को पुकारे और भाई ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहन, आज रक्षा बंधन का त्योहार है, क्या तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी? हाँ वीरा, जरूर बांधूंगी। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सदा खुश रहना मेरी बहना। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ गए। सोइए, काम तेरी माँ करेगी क्या? तूने मुझे थप्पड़ मारा? तूने इस बिचारी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। मैं कुछ नहीं बोला। आज के बाद अगर तूने इस पर हाथ उठाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। छोरी के लिए मुझे थप्पड़ मारा? तुम देखना इसकी तकदीर पे ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि जिंदगी भर रोएगी।
प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बच्चा। राम भली करे, कहिए कैसे याद किया जजमान, कहिए किसके संबंध जोड़ने हैं और किसके संबंध तोड़ने हैं। राहु केतु मंगल शनि सब पंडित छज्जू मल की मुट्ठी में है, कहिए किसकी कुंडली बदलनी है। पंडित जी कुंडली बदलनी नहीं है, कुंडली तो बिगाड़नी है। मीरा के लिए ऐसा वर ढूंढो कि उसकी किस्मत खुल जाए। पंडित जी खुल नहीं, फूट जाए। समझो फूट गई। कैसे पंडित जी? देखिए जजमान, मेरी नजरों में एक सेठ जी हैं और वो बहुत धनवान हैं। वो मीरा के बदले आपको बहुत धन देगा और जजमान आपका शादी का सारा ही खर्चा बच जाएगा। मगर एक दिक्कत है। क्या पंडित जी? मैं कुछ समझी नहीं। सेठ जी उम्र में 60 साल के हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बात पक्की करूं। हाँ पंडित जी, बात पक्की कर देना। और कौन इस महारानी से राजा शादी करने आएगा? पंडित जी आप कल ही शादी का मुहूर्त निकलवा ले। ठीक है जजमान, अब मैं चलता हूँ। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते और मेरा भाई मेरे पास होता तो मेरी शादी धूमधाम से करता। मैं अपनी जान दे दूंगी पर मामी की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। मामा जी प्रणाम। जीते रहो बेटे। बेटे आप कौन हो? मामा जी मैं रामू, आपका रामू। बेटा रामू, बेटा रामू। बेटा रामू इतने दिन से कहाँ थे? मामा जी मीरा कहाँ है? मीरा, बहन मीरा, तुम कहाँ हो? मीरा, मीरा मेरी बहन कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा भाई आ गया। मीरा बहन मीरा कहाँ हो तुम? मीरा बहन कहाँ हो तुम? मीरा कहाँ हो तुम? मामा मुझे लगता है मेरी बहन बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर गई है। आज रक्षाबंधन है, मुझे देखकर मेरी बहन कितनी खुश होगी। वीरा आ जाओ, एक बार आ जाओ वीरा, आखिरी बार आज अपनी बहन से राखी तो बंधवा लो। आ जाओ वीरा, आ जाओ। और मामा मैंने शहर में रहकर बहुत पैसे कमाए हैं, अब देखना मैं अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा मामा। और मामा मैं भी मंदिर जा रहा हूँ। रुक जाओ रामू बेटा, मीरा मंदिर नहीं गई। तुम क्या कह रहे हो मामा? तो मीरा कहाँ गई? तुम बोल क्यों नहीं रहे मामा? बताओ ना मीरा कहाँ है? बेटा रामू मीरा तो। अच्छा तो अब मैं समझा, आपने मीरा की शादी करा दी। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है मामा, आप मुझे सच सच क्यों नहीं बता रहे? मेरी बहन मीरा कहाँ पर है और मामी भी नजर नहीं आ रही। मत ले ऐसी चुड़ैल का नाम, कीड़े पड़े ऐसी औरत को। मैंने तो बेटा उसको घर से ही निकाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो मामा, मैं कुछ समझा नहीं। तेरी मामी ने उस पर बहुत सितम किए, उससे तंग होकर मीरा आज ही घर छोड़ के चली गई। नहीं मामा नहीं। मीरा, मीरा। रामू बेटा मैं भी आ रहा हूं।
जाने कितना कष्ट सहा, ना जाने कितना कष्ट सहा। मीरा भट्ट।
दुख रहा, तूने मामी के हाथों ना जाने कितना कष्ट सहा, 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 ना जाने कितना कष्ट सहा। वीरा आ जाओ, एक बार आ जाओ वीरा, आखिरी बार अपनी इस बहन से राखी तो बंधवा लो। आ जाओ वीरा, एक बार आ जाओ। समझ लेना वीरा, आज मेरे पास आरती का थाल तो नहीं है, पर ये मिट्टी का बर्तन जरूर है। इसे थाल समझ लेना वीरा। बेटी मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, मेरी बहन, तुम कहाँ हो? बेटी मीरा, कहाँ हो तुम? बेटी मीरा, बेटी मीरा, कहाँ हो? के लिए थाल तो मिल गया वीरा, पर तिलक लगाने के लिए कुमकुम नहीं है। वीरा, इस बहन के रक्त को कुमकुम समझ लेना। मेरे पास राखी तो है ही नहीं। चुन्नी के तार को ही राखी समझ लेना वीरा। जाओ नागराज,
प्रणाम नाथ जी। प्रणाम नागराज। ये क्या क्या तुमने? कम से कम इस मासूम पे तो तरस खा लेता। तरस, दया, रहम ये नाग जाति में नहीं होती नाथ जी। ये मेरा हुक्म है नागराज, तू अभी वापस जा। तुम अभी इसका जहर चूस कर इसे जीवित करो। जो आदेश नाथ जी। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वीरा वीरा तुम आ गए वीरा। हाँ बहना, बहन बुलाए और भाई ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। ले बहना अब देर मत कर, बांध दे राखी। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, बेटी मीरा है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। मामा जी मेरी बहन वो रही मीरा, बेटी मीरा, बेटी मीरा तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बहन मीरा। मामा ये कौन है? बेटी मीरा तुमने इसे पहचाना नहीं? नहीं मामा जी। बहन मैं रामू, मीरा पगली मैं रामू, तुम्हारा भाई रामू। भैया चुप हो जा बहन, रो मत पगली, रो मत, तूने बहुत दुख सहे है, अब तुझे रोना नहीं है, तुझे हंसना है पगली। वीरा वीरा रुको, वीरा वीरा रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन जिसने मेरी कदम कदम पर मदद की है और भाई का धर्म निभाया है? वीरा बताओ मुझे, बताओ वीरा, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। तो लो बहना मैं अपने असली रूप में आता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी मुझे माफ करना, मैं आज तक आपको साधारण इंसान समझती आई, मुझे माफ करना। नहीं बहना, तुम बचपन से मेरी मूर्ति को राखी बांधती रही हो, मैं तुम्हारा भाई हुआ ना। और एक बहन अपने भाई से माफी मांगे, अरे पगली तुम तो मेरी मुंह बोली बहन हो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। कितना कष्ट सहा, कहाँ गई
कितना कष्ट सहा, ना जाने कितना कष्ट सहा, ना जाने।